Hello everyone, so welcome back to the JEE Chemistry and talking about entropy. Entropy basically क्या है? It is a measure of randomness. It is not randomness itself, मतलब अपने आप में ही randomness नहीं है, पर randomness जब बढ़ता है तो entropy की value भी बढ़ती है. तो it is a measure of randomness or disorder. और आप ये भी बोलते हैं कि किसी भी हमारे पास सिस्टम है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हैं वो हैं. जैसे गैस अगर यहाँ पर A में वेसल में थी, जैसे एक्सपैंड करके इसमें भी जाएगी, मतलब यहाँ पर आप बीच में वॉल्व वगैरह ओपन करते हैं तो गैस यहाँ पर एक्सपैंड करेगी. अब वो ज़्यादा एरिया में घूम पा रही, तो उसका रैंडमनेस और डिसऑर्डर जो है वो बढ़ चुका है. तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. और बच्चे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, आइसोलेटेड का मतलब जिसमें एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है. डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब है जहाँ पर एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है. फाइन, चलिए नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि व्हाट आर द फॉर्मुलाज फॉर कैलकुलेटिंग एंट्रोपी, एंड डू यूज द कोड पीटी लाइफ. थैंक यू.